नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको कुतुब मीनार की यात्रा पर लेकर चलूंगा और साथ ही साथ आपको इसके इतिहास और इसके बारे में बहुत सारी रोचक बातें भी आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन यहाँ जाने के लिए सबसे निकटतम मेट्रो स्टेशन है। मेहरौली जाने वाली सभी बसें कुतुब मीनार को पार करती हैं क्योंकि मेहरौली बस स्टैंड कुतुब मीनार के सबसे नज़दीक स्थित है। तो यहाँ बस द्वारा भी आ सकते हैं और आप चाहें तो मेट्रो के द्वारा भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कुतुब मीनार ऐसी जगह है जहाँ पर आप साल में कभी भी किसी भी मौसम में जा सकते हैं। आपको यहाँ जाने की अनुमति सुबह 6:30 बजे से लेकर 6:30 बजे शाम तक रहती है। वैसे तो आप कुतुब मीनार देखने किसी भी मौसम में जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली गर्मियों में बहुत गर्म होता है, इसलिए मेरी पर्सनल सलाह आपके लिए रहेगी कि आप गर्मियों में इसे अवॉइड ही करें। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और मार्बल से बनाया गया है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसका डायामीटर 14.32 मीटर है। मीनार के अंदर कुल 379 सीढ़ियाँ हैं जो कि गोलाई में बनी हुई हैं। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने ईस्वी सन 1200 में करवाया था। उसके बाद 1220 में कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और पोते इल्तुमिश ने इस मीनार में 3 मंजिलें और बनवा दी थी। कुतुब मीनार एक 73 मीटर ऊंची मीनार है जिसका निर्माण 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के अंतिम हिंदू राज्य की हार के बाद तुरंत करवाया था। इस इमारत में 5 अलग अलग मंजिलें हैं। प्रत्येक को एक प्रोजेक्टिंग बालकनी और आधार पर 15 मीटर व्यास से शीर्ष पर 2.5 मीटर तक चिन्हित किया गया है। दोस्तों, कुतुब मीनार का नाम दिल्ली के सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है क्योंकि उन्हीं ने 1199 AD में इसका निर्माण शुरू किया था। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की सल्तनत के संस्थापक थे। बाद में उनके उत्तराधिकारी और पोते इल्तुमिश ने इसमें 3 मीनारों का निर्माण और करवाया था। सन 1368 ईस्वी में बिजली गिरने की वजह से कुतुब मीनार का ऊपरी भाग टूट गया था, लेकिन बाद में फिरोज शाह द्वारा इसके फिर से निर्माण करवाया गया। इसका पुनर्निर्माण करवाने के साथ ही फिरोज शाह ने सफ़ेद मार्बल से 2 और मंजिलें भी बनवाई, लेकिन उसके बाद 1505 में एक बड़े भूकंप आने की वजह से कुतुब मीनार को भारी नुकसान हुआ और भूकंप से जो भी क्षति हुई उसकी मरम्मत सिकंदर लोदी ने करवाई। लेकिन यह सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। उसके बाद अगस्त 1903 को भी एक भयंकर भूकंप आया और एक बार फिर कुतुब मीनार को फिर से बड़ी क्षति पहुंची। लेकिन साल 1928 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने इसकी मरम्मत करवाई और इसके साथ ही उन्होंने कुतुब मीनार के ऊपर एक गुंबद भी बनवा दिया, लेकिन बाद में पाकिस्तान गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने इस गुंबद को हटवा दिया और उसे कुतुब मीनार के पूर्व में स्थापित करवा दिया। दोस्तों, अब मैं आपको कुतुब मीनार की 7 दिलचस्प बातें बताऊँगा। दोस्तों, कुतुब मीनार की सबसे खास बात यह है कि यहाँ परिसर में एक लोहे का खंभा लगा हुआ है जिसको लगभग 2000 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इसमें जंग नहीं लगी है। लोहे के खंभे में इतने सालों तक जंग ना लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बता दें कि कुतुब मीनार भले ही भारत की सबसे बड़ी इमारत है, लेकिन यह बिल्कुल सीधी नहीं है, यह थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस इमारत का मरम्मत का काम कई बार हुआ है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने के साथ ही ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी है। कुतुब मीनार की इमारत के अंदर गोलाकार 379 सीढ़ियाँ हैं जो कि पूरी इमारत की ऊँचाई तक हैं। कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में बात करें तो बाद में 1505 में फिर से भूकंप की वजह से मीनार टूट गई थी, जिसकी मरम्मत सिकंदर लोदी ने करवाई। कुतुब मीनार का असली नाम विष्णु स्तंभ बताया जाता है। मीनार में अरबी और नागरी लिपि में शिलालेख है जो इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जब फिरोज शाह तुगलक के शासन में भूकंप के बाद कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसके बाद फिरोज शाह ने इसकी मरम्मत करवाई। यह जो खूबसूरत दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये अलाई दरवाज़ा है। अलाई दरवाजे के चारों तरफ सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से खूबसूरत नक्काशी की गई है। साथ ही प्रवेश द्वार के दोनों तरफ लगी सुंदर ढंग से तराशी गई जालीदार खिड़कियाँ भी बनी हुई हैं। इस ऐतिहासिक इमारत के सभी प्रवेश द्वारों को शानदार ढंग से डिजाइन किया गया है। अलाई दरवाजे का संपूर्ण आकार काफी आकर्षक है और प्रभावशाली दिखता है।
इस तरह खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस गेट का निर्माण बेहद मजबूती के साथ कराया गया था, इसलिए इसे बनाने में काफ़ी वक्त भी लगा था। यह कुतुब मीनार परिसर की एक बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है। इसके साथ इसे सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कहा गया है। दोस्तों, कुतुब मीनार के पास ही एक और मीनार बनाने की शुरुआत की गई थी, इसे अलाई मीनार कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण शुरू कराया था। वे कुतुब मीनार से दुगनी ऊंची मीनार बनाना चाहते थे। इस मीनार की बुनियाद के अलावा करीब 80 फुट की ऊंचाई तक काम हो गया था, पर सन 1316 में अलाउद्दीन की मौत के बाद यह काम अधूरा रह गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जब भी आपको मौका मिले तो इस ऐतिहासिक विरासत को देखने के लिए दिल्ली जरूर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।